उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी का कहर शुरू हो गया है। यहां प्रदेश में आगरा सबसे गर्म शहर रहा। भीषण गर्मी आते ही तरबूज की मांग भी बढ़ गई है। हर वर्ग तरबूज खरीद रहा है, इससे लू आदि से राहत भी मिलती है, बीमारियों से भी बचाव होता है। भीषण गर्मी के चलते घर से दोपहर में निकलने से लोग कतराते नजर आ रहे हैं। बाहर सर्विस करने वाले कामकाजी लोगों को मजबूरी में निकलना भी पड़ता है। चटक धूप और लू के थपेड़ों से कई बीमारियां भी हो जाती हैं। दुष्यंत कुमार है और मैं यहाँ पर तरबूजा खरीदने आया हूँ। इस चलचलाती धूप में तरबूज बहुत सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम लोग पानी तो पूर्ण रूप से पी नहीं पाते, बट लेकिन गर्मियों में जब चलचलाती धूप लू चलती है इससे पानी की कमी होती है। हम तरबूज जब ले जाएंगे, तरबूज खाएंगे, तो इससे शरीर में पानी की पूरी पूर्ति होगी और तरबूज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम रोज 10 से 15 किलो तरबूज ले जाते हैं और पूरा घर मिलकर जुल के हम तरबूज खाते हैं रोज़। और सभी से कहूँगा मैं, तरबूज खाना चाहिए गर्मियों में। मैं तरबूज लगाता हूँ हर साल यहीं, और यहाँ बिक्री अच्छी होती है, रोज़गार बहुत बढ़िया है, यह मार्केटिंग में बढ़िया है। हाँ, गर्मी में बढ़िया कम होता है। हाँ सही है, सेल बढ़िया है, यह मार्केटिंग में बढ़िया है, मुनाफा सही है। ये 20 रुपये किलो बिकता है, अभी फिलहाल महंगा है, इसलिए अभी मत हो जाए कुछ दिन बाद। नाम मोहम्मद मुनीश है, हम तरबूज का काम करते हैं, हर साल सालों से बेच रहे हैं हम। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ग्राहक आता है तरबूज लेने, तरबूज की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की कमी दूर करता है। हम 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। हाँ जी, और थोड़ी सेल अभी हल्की है, जैसे गर्मी पड़ती आएगी सेल बढ़ती आएगी। और जी, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं तरबूजा खरीदने आया हूँ। और ये गर्मी में लू से बचाने के लिए, पानी की पूर्ति के लिए फायदेमंद है, मौसमी फल है, इस वजह से हम तरबूजा लेने आए। ये गर्मी से बचाने के लिए बहुत फायदा करता है। हाँ, रोज ले जाता हूँ 1-2 किलो।